सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। Rishto.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियो। असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड। तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कर्नाटकाच्या जनतेनी, सुज्ञ जनतेनी विकासाच्या मुद्द्यावर, कारण की भाजपनी प्रत्येक राज्यात आणि देशात जी परिस्थिती आहे, मग देशात आणि राज्यात महागाई असेल, भ्रष्टाचार असेल, त्याचा कळस गाठलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये कर्नाटकाच्या जनतेनी कंटाळून तिकडचं सरकार बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि अशीच परिस्थिती ही संपूर्ण देशामध्ये आहे। आजच्या कर्नाटकाचा निकालनी पुढची दिशा जे वारंवार आमचे नेते राहुल गांधी, आमचे सर्व केंद्रातले नेते मल्लिकार्जुन खरगे साहेब यांची सर्वांची मेहनत, तिकडचे जे लोक आमचे नेते डीके शिवकुमार, सिद्धरामय्याजी या सर्वांनी जनतेपर्यंत जाऊन बीजेपीचा खरा चेहरा जनतेपर्यंत नेला, जे 40% भ्रष्टाचाराचा विषय जनतेपर्यंत नेला आणि जनतेने तो मान्य केला। आणि याच्यामध्ये घाणेरडं राजकारण, कारण की भाजपकडे नेहमी कोणता मुद्दा नसतो तर कुठेतरी सांप्रदायिक विषय आणून लोकांना त्याच्यात भडकवून करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, पण यावेळेस त्यांचा तो प्रयत्न सक्सेसफुल झाला नाही। कारण जनताला समजण्यात आलेलं आहे की वारंवार हे एकच विषय घेतात। बजरंग बलींचा आशीर्वाद यावेळेस आम्हाला पूर्णपणे मिळाला आहे, कारण की बजरंग बलीचं नाव खराब करण्याचं काम काँग्रेसने केलं। एखादा विषय नसताना पण त्याला मध्ये तो विषय टाकून, त्यामुळे बजरंग बली असतील, प्रभू श्रीराम असतील, हे सर्व आमच्या सर्वांचे, या देशाचं अस्तित्व आहे, या देशाचं प्रत्येक माणसाच्या हृदयात आहे, ते कोणा एका पक्षाच्या एका माणसाची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही आहे। म्हणून बजरंग बलीचा नारा देत आज उल्हासनगर काँग्रेसच्या वतीनं, आपल्याला माहीत असेल की 2 दिवसा पहिलेच आमच्या नवीन कार्यालयाचं उद्घाटन झालं, नानाबा पटोले साहेब आले होते, तर आम्हाला आनंद आहे की आमचं कार्यालय बनलं आणि आज आम्हाला आनंदाचा क्षण इथे साजरा करण्यात आला। जय हनुमान, जय सियाराम। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी जो राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो इन्होंने मेहनत की है कर्नाटक राज्य में, और उसके साथ साथ जो ये 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और उस समय से लेकर जो जो इन्होंने वायदे किए, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया, और पूरे देश में जो वायदे किए थे 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, नहीं दिया, और महिलाओं पे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देंगे, यानी कि जो जो वायदे किए इन्होंने पूरा नहीं किया। आखिर ये देश की जनता, ये भारत देश की जनता
ये समझ गई भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जो मोदी है उनको, और जो अभी ये जो चुनाव हुआ कर्नाटक में विधानसभा का, वो कर्नाटक में जो महंगाई का मुद्दा, महंगाई, लोगों को बेरोजगार है, यानी कि परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे तंग आके इनको मालूम है कि ये देश में अगर कोई अगर राज चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी है साथियों। पूरी जनता ने इस बात को ध्यान में लिया और भारतीय जनता पार्टी का और वहाँ की जेडीएस पार्टी का पूरा सफाया कर दिया, और ऐसा सफाया हुआ है कि बड़े बहुमत से भी ज़्यादा 140-139 सीट कांग्रेस की आई है, और जो जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने दिए बड़ी ईमानदारी के साथ में वो वायदे पूरे कांग्रेस पार्टी करेगी। और इसी प्रकार से उल्लासनगर महानगर पालिका का चुनाव जब भी आएगा या विधानसभा का चुनाव आएगा, जिस तरीके से कर्नाटक में ये भारतीय कांग्रेस की सरकार आई है, उसी प्रकार से बड़े बहुमत के साथ ये उल्लासनगर में भी महानगर पालिका पे ये कांग्रेस का राजपाट आएगा और कांग्रेस का महापुर बनेगा, और कांग्रेस का यहाँ विधानसभा का आमदार भी यहाँ आएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।